हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू सीपी इंग्लिश क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है एकलव्य बाय मीना कंदस्वामी। मीना कंदस्वामी इज बोर्न ऑन 1984 एंड शी इज एन इंडियन पोएट, फिक्शन राइटर, ट्रांसलेटर एंड एक्टिविस्ट फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु। मीना पब्लिश टू कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज, टच 2006 एंड मिस मिलिटेंसी 2010। From 2001 and 2002, she edited The Dalits, a bi-monthly alternative English magazine of the Dalit Media Network. She represented India at the University of Iowa's International Writing Program and was a Charles Wellens India Trust Fellow at the University of Kent, Canterbury, United Kingdom. She writes columns for platform like Outlook India and The Hindu. तो वो द हिंदू में और द आउटलुक इंडिया में भी एक कॉलम्स लिखती थी, मींस लिखती हैं, और बहुत ही फेमस पोएटिस कह सकते हैं इनको, आज के टाइम की हैं ये। इनकी जो ये पोएम है एकलव्य, ये एक तरीके से कह सकते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, किस तरह से लोग एक कास्ट को, एक ग्रुप को ऊपर रखते हैं और दूसरी को नीचे। तो एकलव्य जो कि महाभारत के बहुत ही जाने माने करैक्टर हैं, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि उनके साथ द्रोणाचार्य ने कितना भेदभाव करते हुए कितना गलत किया था, तो आज उसी के ऊपर ये पोयम है। तो ये रही हमारी पोयम। दिस नोट्स कम्स एज अ कंसोलेशन, मींस ये जो पोयम है, सबसे पहले पोएटिस ने ऊपर फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया है कि ये जो हम पोयम लिख रहे हैं, ये जो पोयम नीचे आने वाली है, ये एक तरीके से संतावना है। किसको है? एकलव्य को एक तरीके से संतावना है कि उनके साथ गलत हुआ था, उनके राइट हैंड का थंब द्रोणाचार्य ने मांग लिया था उनसे, तो ताकि वो अच्छे धनुष ना सीख सकें, ताकि वो अर्जुन से बेटर ना हो सकें, सिर्फ इस वजह से। तो यहाँ पे इन्होंने जो फर्स्ट लाइन लिखी है, दिस नोट कम्स एज अ कंसोलेशन, मींस ये जो पोएम है या नीचे जो हम नीचे लाइंस आने वाली हैं, ये एक तरीके से संतावना है टुवर्ड्स एकलव्य। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग विद योर लेफ्ट हैंड्स, कह रहे हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड से। बिसाइड फेसिस्ट द्रोणाचार्यस वॉरेंट लेफ्ट हैंडेड ट्रीटमेंट ऑल्सो, यू डोंट नीड योर राइट थंब टू पुल अ ट्रिगर और हर्ल अ बॉम्ब। सो यहाँ पे ये द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि आपने जो ये किया है, मीन्स ये जो भेदभाव किया है आपने, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड की भी जरूरत नहीं है, और यहां तक कि आपको यू डोंट नीड अ राइट थंब एज वेल, आपको अपने लेफ्ट हैंड की भी जरूरत नहीं है, आप तो अपने लेफ्ट हैंड से बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपने जो ये कुछ किया है, यानी जो भी भेदभाव द्रोणाचार्य ने किया है, फॉर दैट ही इवन डज नॉट वॉन्ट हिज राइट हैंड एज वेल, उनको तो राइट हैंड के भी थंब की जरूरत नहीं है टू पुल अ ट्रिगर और हर्ल अ बॉम्ब, उनको तो किसी ट्रिगर को पुल करने के लिए या एक बॉम्ब फेंकने के लिए भी अपने राइट हैंड की जरूरत नहीं है। मींस उन्होंने जो इतना बड़ा बॉम्ब फेंकने से क्या होता है, एक तबाही होती है ना, या हम अगर ट्रिगर चलाते तो किसी की मृत्यु होती है ना, किसी की मृत्यु हो जाती है उस ट्रिगर से, या हम बॉम्ब फेंकते हैं तो उससे भी डेथ हो जाती है लोगों की। सो वही कहना चाहते हैं कि द्रोणाचार्य ने जो किया था उसके लिए ना ही उनको उनके राइट हैंड की जरूरत थी और ना ही उनके लेफ्ट हैंड की, उन्होंने तो जो किया वो एक बम फेंकने या एक ट्रिगर एक चलाने के ही जैसा था। जिस तरीके से एक बम और ट्रिगर इंसान की जान ले लेती है, इन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग के एक उसी तरीके का टास्क किया था, इक्वल था उसके, एक तरीके से सामने वाले के सपने तोड़ ले लेना, उसके अंदर उसकी जो भी उसके अंदर उसकी काबिलियत है उसको छीन लेना, ठीक है। जस्ट बिकॉज क्यों, एकलव्य ऊंचे बिरादरी का नहीं था, वो क्षत्रिय नहीं था, तो इनको ऐसा लगा कि क्षत्रिय नहीं है ये, अर्जुन से ऊपर हो जाएगा, तो इस वजह से सिर्फ एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, तो एक तरीके से उन्होंने उनके उसके सपने छीन लिए, तो एक उसके लिए तो वो मौत के ही समान था ना, एकलव्य के लिए तो वो मौत के ही समान था। तो इसी वजह से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य डोंट इवन नीड्स हिज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, उसको उनको दोनों में से किसी हाथ की जरूरत नहीं है टू पुल अ ट्रिगर और हर्ल अ बॉम्ब, ना ही उनको बॉम्ब फेंकने, मतलब इस तरीके का टास्क करने के लिए जो भेदभाव से भरा था, है ना, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो जो करना था, जो टास्क करना था वो कर दिया।
सो दिस इज द पोएम. आई थिंक आपको समझ में आई होगी, और मुझे जितनी ये पोएम समझ में आई थी मैंने आपको समझा दी है. ओप आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ये पोएम मैंने अंकिता जायसवाल के रिक्वेस्ट पे बनाई थी. थैंक यू अंकिता कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके लिए ये वीडियो ला सकूं. और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.